जेडीयू बने तो मंत्रिमंडल में काहे के लिए शामिल हो, क्या जरूरत है, किस बात की आवश्यकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। आरसीपी सिंह का इस्तीफा और बिहार में शुरू हो गया सियासी खेला। आरसीपी सिंह के जेडीयू छोड़ने के बाद ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जमकर आरसीपी सिंह पर हमलावर होते नजर आए। कभी कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू का एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, तो कभी जेडीयू को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू डूबता नहीं दौड़ता जहाज है। बस वो यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। जेडीयू बने तो मंत्रिमंडल में काहे के लिए शामिल हो, क्या जरूरत है, किस बात की आवश्यकता। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं हो। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल हुए थे उनसे जाके पूछिएगा ना, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछ के मुख्यमंत्री उनका खंडन करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम केंद्र में कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। 2019 में पहले ही ये तय हो गया था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। ललन सिंह ने आगे कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, पहले चिराग पासवान मॉडल लाया गया और अब एक और मॉडल लाने की तैयारी हो रही थी, मगर जेडीयू के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा कि इधर सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल इसलिए कि अभी कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से वोट दिया। हमारे एक सांसद आदरणीय वशिष्ठ भाई बीमार थे, उनको भी हमने ले जाके व्हील चेयर पर वोट कराया। हम लोगों ने समर्थन दिया राष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी। वहीं आगे बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 में जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं, भविष्य में या 2029 में क्या होगा, इसके बारे में हम अभी कैसे प्रतिबद्ध हो सकते हैं। 24 और 25 का फैसला कल क्या है, कल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका गारंटी हम ले सकते हैं। 35 का भी पूछ लीजिए अभी। अभी 35 तक का भी, 2035 में, 2024 के बाद 2029 में होगा वो भी पूछ लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो ऑल इज वेल है। हमने तो बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति कल हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सब लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिया, हमारे एक एक सांसद ने जाके वोट दिया। खैर, ललन सिंह का कहना है कि ये तो 2019 में ही तय हो गया था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, पर 2021 में आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होते वक्त किसी से नहीं पूछे। खैर, बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है, इसकी आशंका जताई जा रही है। जो भी होगा राजनीतिक गलियारों में, जो कुछ भी होगा बिहार तक आपको उससे अपडेट करता रहेगा। तब तक बिहार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।